वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप सारे कैंटों के ताज दिन की सन्नी शुरुआत हो चुकी है और आज है 17 नवंबर और अमृत वेला चालिया का डे 30। तो गाइस गुरु महाराज की मेहर से रेडी शेडी हो चुके हैं और बस निकलते डेस्टिनेशन की ओर और वहाँ पे चल के आज का डे इंजॉय करते हैं और गुरबाणी सुनते हैं और आपको भी व्लॉग के थ्रू सुनाते हैं। और बस अभी गिने चुने 10 डेज और बाकी हैं, 30 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, तो 9 डेज या 10 डेज जो लास्ट के रहते हैं इनमें प्रभात फेरी शुरू हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पे थारा सिंह दरबार है वहाँ की प्रभात फेरी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, तो रिंकू वीर जी की जो प्रभात फेरी है वो शायद कल मॉर्निंग यानी 18 की मॉर्निंग से शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं आज पता लग जाएगा क्या फाइनल डिसीजन, यानी कि आज निकलेगी या कल निकलेगी, तो वो हमें वहाँ जाके पता लगेगा। तो गाइस ब्लॉग में बने रहें और अब तक अगर वीडियो को लाइक किया नहीं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको डेस्टिनेशन पर जाके। सुपन चरित रचित बानक बने बचतल, पावन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं। सुपन चरित रचित बानक बने बचतल, पावन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं। सुपन चरित रचित बानक बने बचतल, पावन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं। सुपन चरित रचित बानक बने बचतल, पावन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं। पावन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं। भाई गुरु जी, तो ये देख सकते हैं कि ये सारी टोप में जो कल संगत को आटा दिया गया था, संगत के द्वारा जो रोटियां बनाई गई हैं, कोकी बनाई गई है, उन सबका प्रसाद ले आया गया है ताकि कल संगत को जिन जिन संगत ने आटा लिया था वो सारी संगत आज कोकी बना के लेके आई, जिसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं पंजाबी में, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो गैस देख के मेरे मुँह में पानी आ चुका है अभी, तो बट ये तो समाप्ति के बाद ही खाने को मिलेगी हमें, तो तब तक ही वेट करना होगा। बाकी देख सकते हैं कितने सारे पैकेट्स खुल चुके हैं और एक के बाद एक बैग्स आए जा रहे हैं कि ये भी ओपन करके सब एक साथ मिला दीजिए, एक साथ रख दीजिए। देख सकते हैं कितनी सारी संगत ने और कितनी सारी कोकिया प्रसाद लिखा है, जितने भी टप रखे हुए नहीं है, जितने बड़े बड़े सब भर चुके हैं सब सारे। वाहेगुरु जी, धन गुरु नानक। जब सोने जाते हो पहले पाठ करिए,
कई लोग नहीं करते, कहते थे लेट जाओ, हाथ पैर मुंह धोकर लेट जाओ। अब मन जो आपको अच्छा लगता है, कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, कथा सुननी अच्छी लगती है, नाम जपना अच्छा लगता है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी गिनती के, बिना किसी टेंशन के, सारी चिंताएं छोड़कर सिर्फ नाम का रस लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी तो प्रेमा भक्ति करते थे, कहते थे कि जब तकिए पे सर रखते हो मन बनाओ कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपनी अपनी भावना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचा देती है कि 8 घंटे जो नींद में बीतने वाले, 6 घंटे, 4 घंटे वो भक्ति में गिनी जाएगी। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, कोई नाम जपता हुआ सो रहा हो, जिस चीज़ में आपको रस है, कीर्तन में, कथा में, वो लगा के आप सो जाओ, सुनते हुए निश्चिंत होगा। कहते थे अगर अमृत वेले उठते वक्त तेरे मुख में वो बाणी रहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो समझ लेना सारी रात जो काउंट हुई है तेरे सिमरन में काउंट हुई, कि इसने सारी रात बैठ के नाम जपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात है, अगर जो पाठ करते करते सोए, सुबह उठ के पाठ मुख में है, वाणी मुख में है, तो सारी रात काउंट होगी, कि रात काउंट हो गई, कि इसने नाम जपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप 9 बजे सोए, 9 से 1 बजे तक सोए, या 10 से 2 बजे तक सोए, 4 घंटे आपकी नींद काउंट हो गई सिमरन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जुगतियाँ हैं अपना लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद को समझो, इसकी इम्पोर्टेंस को समझो। गुरु नानक पाशा मेरा जी की इस अवस्था को समझा रहे हैं, कि कहने की बात नहीं, या उनसे पूछो जब जागने के बाद खो जाते हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं कि जाग कर पाया जाता है, कहते हैं मैंने तो जाग के खो लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्वन की सपने आया भी गया, मैं शेयर कर दी। बड़े बड़े को गवाते हुए देखा है, बड़े बड़े को, थोड़ी होशियारी आ गई। क्या होता है ना, कहते हैं संभालना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेत्रियम थोड़ा बढ़ जाए, बताने का दिल करता है, कोई पूछे तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला बन जाए तो पूछे सही, कहीं बात निकले भी तू लेट क्यों उठा, मैं रात को जागा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का दिल करता है, इस पर कंट्रोल करना पड़ता है, इस पर काबू पाना होगा अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन हर पाया तिने छिपाया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कोई गुरु का सपना, गुरु कृपा कर दे, चुप कर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, रस लो उसका। अब आगे क्या कहते हैं गुरु नानक, वापिस आ जा, फिर से शायद मेरा शौक वापिस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरा पति वापिस आ जाए सपने में। मेरा कृष्ण जी से कह रहे, गुरु नानक पाशा इस अवस्था को व्याख्यान कर रहे हैं बाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि इसको इतनी छोटी अवस्था मत समझो, ये प्रेमा भक्ति, जिसे ये अवस्था मिल जाए। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई ऐसा है जो सपने में राम कहता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद में जिसके मुख से राम निकलता है, वाहेगुरु निकलता है, अपने गुरु को याद करके उसके मुख से नाम निकलता है, कबीर जी कहते हैं वो बाजार नहीं जाए जूते खरीदने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मेरे पास आए, मैं अपने तन की चमड़ी निकालूं, उसके जूते बना के उसके चरणों में डालूं। सर्वन कीजिए, कबीर जी कह रहे सपने हूं बरड़ाए के जह मुख निक सैरा, सपने हूं बरड़ाए के जह मुख निक सैरा। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लो, पढ़ो, देखो, सुनो, पर गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा शब्द है वो, नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाव, पढ़ देना। नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाव, सुनना गुरु नाम।
सतगुर से तीरतिया, डर गए पाए कहो ना जग में उत्तम काटिए विरले विरले के इस रचना से राम के इन आंखों से गुरु के दर्शन कर, इन कानों से गुरु की वाणी सुन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अवचेतन मन रिकॉर्ड करता जाएगा, सबकॉन्शियस बॉडी से रिकॉर्ड करता जाएगा और तेरा जीवन ऐसे हो जाएगा जन नानक उत्तम काढ़िए विरले विरलों की गिनती में आ जाएगा तू, क्योंकि तेरे मन में सिर्फ प्रभु का चिंतन चलेगा, फिर चिंता खत्म, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता होती ही तब है जब चिंतन ना हो, जहाँ नाम है वहाँ पर तो सपने में भी दुख नहीं आ सकता, वाणी कहती है। जहाँ के हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपने में भी दुख आता है ना, सपने में भी दुख आता है, और इसको भी थोड़ा समझ लें, इस पॉइंट को, बड़ी प्यारी घटना है। राजा जनक दरबार में बैठे, रात को इसने स्वप्न देखा बड़ा भयंकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चिंता में पहली बार राजा जनक चिंता में, स्वप्न देखा उसे जवाब नहीं मिल रहा, सारे मंत्रियों से पूछा, सारे अहलकारों से पूछा, सारे ज्ञानियों से पूछा, और सवाल क्या किया, ये सच के वो सच, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है कि वो सच है, सारे ज्ञानी समझ ना पाए कि क्या सवाल है, कि ये सच के वो सच। फिर गुरु अष्टावक्र की तरफ देखा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अष्टावक्र ने कहा, राजन ना ये सच ना वो सच, वो भी झूठ ये भी झूठ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जनक उठा अपनी सिंहासन से, सर रख दिया चरणों, कहने लगा यही सच है जो आपने कहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दरबारी सारे महापुरुष वहाँ जो बैठे अभी भी नहीं समझ पाए, कहने की अभी समझ में नहीं आया, ना आपका सवाल समझ में आया, ना इनका जवाब समझ में आया। तब राजा जनक ने खोल कर समझाया जो हमारे लिए बहुत कीमती है ये बात। राजा जनक कहने लगा, कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में मैं जंगल में गया हूँ, भटक गया हूँ तो एक गांव में चला गया, वहाँ पर मुझे एक पागल कुत्ते ने काट लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हलकाया कुत्ता होता है ना, अब उसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो आदमी मर जाता है। तो कहने लगा मैं वैद्य के पास चला गया, भटक गया था, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे, कोई सैनिक साथ में नहीं, सेना साथ में नहीं, मैं अकेला गाँव में चला गया। गाँव में जाते ही जब मैं वैद्य के पास गया, मैंने कहा मैं राजा हूँ, तो वह हंसने लग गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, राजा है तो सेना कहाँ है। तो कहने लगा ठीक है तुम कोई भी हो, मुझे दो पैसे दो, मैं दवाई दे देता हूँ, इलाज हो जाएगा। तो राजा कहने लगा, मैंने उसे कहा भी मेरे पास दो पैसे नहीं है, पर मैं राजा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं थोड़ा पैसे लेकर चलता हूँ, मेरी सेना सब लेकर चलती है, भटक गया हूँ। तो उसने धुतकार दिया कि निकल जाओ यहाँ से, एक तो राजा है कि भिखारी है, दो पैसे भी नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा जनक भटक रहा है यहाँ वहाँ, लोगों से दो पैसे मांग रहा है, कहने लगा सपने में भिखारी बन गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो राजा और सपने में भिखारी बन गया मैं। अब एक औरत ने तर्स किया, बहुत खरी खोटी सुनाई, राजा ने भिखारी कहे तो भिखारी है तो दो पैसे दूंगी, अपने को राजा मत कहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा जान बचाने के लिए कुत्ते से, मैंने कहा ठीक है कुत्ते ने काटा है, दवाई लेनी है, दो पैसे दे दे। कहने जैसे ही औरत ने दो पैसे मेरे हाथ में रखे, मेरी नींद खुल गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो सच है कि ये दुनिया सच है जहाँ मैं बैठा हूँ राजा हूँ, कि मैं भिखारी हूँ, मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं भिखारी हूँ कि राजा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सच कि ये सच,
गुरु जी ने जवाब दिया वो भी झूठ ये भी झूठ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बड़ा गहरा अर्थ है इसका। तो दरबारियों ने कहा मतलब वो सपना झूठ, कहने का नहीं गुरु अष्टावक्र कह रहे हैं जो उस स्वप्न को झूठ समझे वो झूठ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। स्वप्न को कभी छोटा मत समझना, स्वप्न हमारे करेक्टर डिसाइड करता है, स्वप्न रियल है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको थोड़ा समझना, जो अष्टावक्र जी ने समझाया राजा जनक को, राजा जनक हमें समझा रहे कि जो उस सपने को झूठ समझे वो झूठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब तक सपने में मैं भिखारी था, जब तक सपने देख रहा था तब तक तो भिखारी था ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख तो भोगा ना मैंने सपने में और मन अभी तक घबरा रहे उस सपने को देख के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते नहीं है कि गुरु के दर पे आ जाओ उल्टी लकीरें सीधी हो जाती हैं, गुरु सपने में काट देगा दुख, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म बदल नहीं सकते पर कर्म काट सकता है गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने बहुत पाप किए हैं पर गुरु के शरण में आगे अमृतला संभाल रहे हैं, उसको काटना पड़ता है, बुरे सपने आएंगे, अमृतला जाने के बाद सोकर भी बुरा सपना आया समझ देना, खुश होना खुशी मनाना कि गुरु ने दुख काट दिया सपने में। कई लोग ये सवाल करते हैं कि नाम जप कर सोया था, अमृतवेला करके सोया था फिर भी बुरा सपना यार काट दिया गुरु ने, गुरु सूर्य का सूल कर दिया, पर जब तक सपना है तब तक तो दुख होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सपने को झूठ समझे वो झूठा और इस जो दुनिया को सच्चा समझे वो भी झूठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपना सच है दुनिया झूठ है क्योंकि ये एक सपना चल रहा है। बात की गहराई को पकड़ना, हम जो इस वक्त बैठे हैं ये भी एक सपना चल रहा है, जब मृत्यु होगी तो अपने आप पे हंसेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे सपने में उठ के हम मुस्कुराते हैं कि शुक्र है सपना था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए महापुरुष समझाते थे कि नींद एक छोटी मौत है और मौत एक बड़ी नींद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, नींद छोटी मौत है, आदमी जब सो जाता है मरा एक बराबर होता है, उसे कुछ नहीं पता, और मौत एक बड़ी नींद है, एक बार सो गया तो उठेगा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहते थे नींद को संभाल ले, नींद को छोटा मत समझ। जब आदमी का अंतिम समय है, जो ज्ञानी है समझो, जिनको ज्ञान है कि मरते वक्त क्या होना चाहिए, आदमी मरता तो क्या कहते हैं उसे, राम राम कर राम राम कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वैग्री वैग्री कर, उसके मुख में अमृत डालते हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोले भैया आखिरी टाइम चालू है, तो वो भी लग जाता है सब जगह से ध्यान हटा के अब राम राम करूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अंत समय जहाँ ध्यान चला गया वो हो जाएगा, जिसे ज्ञान है वो पूरी कोशिश करेगा कि ध्यान मेरा गुरु के चरणों में जाए, नाम में जाए। क्यों? अगर ध्यान चरणों में चला गया उस नाम जपते हुए तो क्या होगा, अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदित त्रिलोचन तेरन मुक्ता पीतंबर वाके, सचखंड में सीधा दर्शन गुरु के सामने खड़ा होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा होगा। बात को समझना, अगर मौत बड़ी मौत जो बड़ी तो मौत बड़ी नींद है, उसके आखिरी पलों में अगर आपने मरते वक्त ध्यान जोड़ा गुरु के चरणों में नाम में, तो गुरु के दर्शन। नींद को भी छोटी मौत है ना, नींद छोटी मौत है, नींद करते समय भी यही टेंशन लिया करो कि मर नींद करते समय ध्यान गुरु के चरणों में लग जाए। अगर लग गया ध्यान लग गया नाम में जैसे मौत के समय, तो सपने में गुरु आएंगे ही आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये छोटी मौत है वो बड़ी मौत है, छोटी मौत में सपने में आएंगे, बड़ी मौत में फर्ता खाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात सारी ध्यान की है, सोते समय ध्यान नाम, मोबाइल वगैरह साइड में रख दो उस वक्त, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या कीर्तन चलाओ या कथा चला लो कोई गुरु साहब जी की प्रेम वाली कथा, ध्यान सपने में गुरु आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अरदास करके सो, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। और पता है अगर सपने में गुरु आना शुरू हो जाए तो जो सहज अवस्था के जो पॉइंट्स लिए हैं, जो जो भी हमने लिए हैं, ये इतनी जल्दी सफर तय हो जाता है, जन्मों का काम सालों में हो जाता है, महीनों में हो जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? एक तो होता है नाम जपना, हम कोशिश कर रहे हैं सहज अवस्था को पाने की, एक होता है प्रेम से जपना। सपना जब आने लग जाता है गुरु का प्रेम बढ़ जाता है भीतर, और प्रेम में थोड़ा जपा हुआ भी बहुत लंबा सफर तय करा देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रेम हो जाए तो फिर हिसाब किताब नहीं रखता, गुरु भी हिसाब किताब नहीं रखता कि इतना जपेगा तो सहज अवस्था यहाँ पहुँचनी, यहाँ करेगा तो नहीं, फिर कोई हिसाब किताब नहीं। एक आदमी ने दूध दे रहा था
बांटते जा रहे हैं, किसी को कटोरा दे रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा कटोरा दे रहे हैं। एक आदमी है उसका पूरा बड़ा पतीला लेके आया, उसका पूरा पतीला पूरा पलट दिया अपना जो बर्तन था, तो किसी ने कहा सबको थोड़ा थोड़ा ऐसे क्यों दे रहे हैं। कहता ये मेरा यार है, यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये मेरा यार है, मैं चाहे इसे अपना सब कुछ दे दूँ, तुझे क्या। बस यही बात है, अगर प्रेम सपने में गुरु आने लगे, प्रेम हो जाए गुरु से, थोड़ा भी प्रेम जाग जाए आपका, थोड़ा जप हुआ भी अगर हम थोड़ा प्रेम करेंगे वो कितना करेगा। सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, तो फिर वो हिसाब किताब थोड़ा करेगा, फिर तो गुरु प्रसाद बरता देगा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस नींद को संभाल लो, नींद को संभाल लो, भक्ति बना लो, सब कॉन्शियस माइंड हर चीज एक्सेप्ट कर रहा है, हम चाहे या ना चाहे आसपास जो हो रहा है वो सुन रहा है, आसपास जो बोला जा रहा है अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, वही बाहर आएगा। जो पावे वस्त साई, जो पावे पांडे बीच वस्त साई निकले, क्या कोई करे बेचारा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जो बर्तन में डाला जा रहा है बाहर वही निकलेगा। सारा दिन जो सुन चन रसाल मद मधुर पियाए हैं, परम दयाल लोचन विसार मुख बचन रसाल मद मधुर पियाए बचन रसाल मद मधुर पियाए हैं, परम दयाल लाल लोचन विसार मुख बचन रसाल मद मधुर पियाए हैं, मुख बचन रसाल मद मधुर पियाए हैं, मुख बचन रसाल मद पावन पवित्र मितर आज मोरे आए हैं, पावन पवित्र मितर आज मोरे आए हैं, पावन पवित्र मितर आज मोरे आए Thank you.
राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो ऑफिस में आया हूँ क्योंकि आज मैं लोड करवाना था कंटेनर जो कि हमारा एक्सपोर्ट का काम है ऑफिस में। तो समाप्ति का अभी मैं यहाँ पे आया हूँ डायरेक्ट और यहाँ पे अभी कंटेनर वगैरह लोड करवा के इसके बाद फिर घर पे जाऊँगा, देन जाके रेस्ट करूँगा।
और बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। मिलते हैं ऐसे किसी हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर, रब रखा और बाय।